अरे तो आ रहा हूँ मेले में। हाँ आ रहा हूँ, बहुत भीड़ है, जल्दी आ जा। अरे आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, बाबा पे थोड़ा खर्चा तो ले लो यार। मैंने पहु बदल दी चार पर ढंकी न एक भी आई, मैंने बहु बदल दी चार पर ढंकी न एक भी आई, अर ढंकी न एक भी आई, अर ढंकी न पल्ले एक भी पड़ी, मैंने बहु बदल दी चार पर न। चाचा झाड़ा पड़ रहा, ऐसे में मैंने भी कुछ सुना, मैं भी कह देता हूँ तुम्हारे सामने। हाँ कहते भी। चाचा एक बेगम मिली, वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा अम्मी से लड़ती मिली। अरे वाह 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 वाह। मैंने कहा रोटी पका, बोली माज तवा। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली माज तवा। चाचा सुन के मेरी निकल गई हवा। बाबा जी तुम हेड पैड 200-300 रुपए दे दीजो। मो यूरो ले लो कर तिजोरी को निकाल ले। 20 रुपए फालतू वाले निकाल लीजिए, मो को दो सिगरेट ले आइयो। बाबा चाचा खालिद के कह रहे का थारा भी दिमाग चलता जा रहा हो। यो, यो, यो। मैं जाहिल अपने बाबा पे जोर न चल रहा तो मुझे ले रहा लपेटे में। देख रहे हो चाचा इसकी बोलने की तमीज, बड़े छोटे सब बोलने की जरा तमीज ना रही है इसे। अबे वैसे तू करेगा कहाँ पहचान को? मेले में जाऊं बाबा जी, मेला देखने गांव की सब लीला ढेर गई है। तो मेले में पहचान को कहाँ कौन भाई? मेले में तो हम भी खूब गए, हम तो कभी पैसा न लेके गए, नई डोल फिर के आ जाए करे। नई डोल ने सुखा है ऐसा, तो मैं पूरे गांव में डोलता ही रहूं, कुछ खाने पीने को जीना करेगा जब आज का घनी सार ठेली देखूंगा रंग बिरंगी तरह तरह की। चाचा मैं और मुझसे छोटा सलमान जब मेले में जावे ना, हमारे बन हम आज तक एक रुपया हाथ पे न रखा, फिर भी आज तक भूखे न लौटे। चाचा पूछो कैसे कैसे? चाचा मैं और सलमान गांव के लोगों पर निगाह रखे, जैसे ही कोई गांव का दिग्गज किसी ठेली पे खा रहा वो उसी के पास जा खड़े हो जावे, और चाचा मुंह को इतना बुरा बनावे, इतना बुरा मुंह बनाकर देखे उसकी तरफ जैसे ना जाने कितने दिन से भूखे खाया ही ना, देखो इस तरह। मैं चाचा गांव वाले को आ जावे इस तरह, एक दफा मैं पूछ ले हमसे कि भैया खाओगे कुछ, फिर तो उसको अलहदा हटा कर उधेर डाले सारे मसले को। ले बता भैया एक काम कर, नी डोल फिर के आ जा, पहचान की जरूरत ना, मनी तो बहलाना अपना। हुक्का भल्ला जा। अब सारे दिन काम करवाने को ही हम तो हुक्का भल्ला कर दी, निहार कर दे कर दी, भूसला दे कर दी, बरसम काट ला, पैसा दे ना बुड्ढा। चाचा आजकल जमाना इतना खराब आगा, चार पैसे कमा कर राजी थोड़ी है कोई, हराम का चाहिए हराम का दे दो ही लो बस। अच्छा जी तू कौन से जमाने को आ भाई? रहीस। यो, 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 यो। चाचा जमाने का तो इसी काऊ में भी, अभी तो नवा लोन रहता हूँ, वो तो निकाह जल्दी होगा, जरा परेशानी बन गई, जिम्मेदारियों ने घेर लिया, अगर मेरा निकाह इतनी जल्दी ना होता ना बहुत रुपया छापता खालिद, बहुत दौलत कमाता। ब्याहसु पीछे किसने मना करी तो 100 रुपया छापने को भाई? यो, 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 मना तो चाचा किसी ने भी ना करा, पर मसलन मसला हुई है, हराम में आगे खाया ना जी खरा कमा के खाने को। सेम टू यू, मेरा भी ना करो कभी। बाबा छाए मिल जाएगी? छाए तो हेगी, पर सिकंदराबाद गई है डोलने को, आई ना अभी उल्टी लौट के। चाचा यार तुम भी बच्चे के संग मजाक कर रहे हो, दे दो उसे छाए यार। अजी हराम मौत की है, खालर चोकर कितने महंगे हो रहे पता भी है? तो बाबा पैसा बोलो ना कितना चाहिए। हाँ तो लाते 100 रुपया किलो के हिसाब से। लो बाबा 500 रुपये। अंशु बेटा
हाँ बाबा। बेटा ये लौंडा भेज रहा हूँ, छा दे दीजिए तन। ठीक है बाबा। चार चा ले ले। चाचा यार एक मसला समझ में ना भर रहा मेरी में, ये लौंडा तो बहुत कमजोर परिवार से है, घर में इसके में तो इतनी आमदनी है ना जितने पैसे ले घूम रहा है, ये मसला क्या है ये मेरी समझ में ना आ रहा। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आया को हंसू आन दे यार, अभी पता लगाएंगे। चाचा यार मैं ये सोच रहा हमारी बकरी का पावर दूध लगवा दो इसके यहाँ ले ले तो। हाँ आन दे अभी, अभी आनते हैं, अभी बात करूंगा तेरे दूध की भी। ओ लाला उरक सुनिए उरक। बाबा तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पिताजी ने कोई जमीन वमीन बेच दी का? बाबा मैंने दुकान पैसे लिए। दुकान पैसे चुराए कैसे बेटा? ना ना बाबा खरीदे। खरीद रहा भैया? किस भाव में खरीद डाले तूने 500 के नोट? चाचा 10 रुपया की एक गड्डी। कौन पागल है जो 10 रुपया में नोट न बेच रहा? बात तो वो आदमी ने दुकान खोली है, वे बेच रहे पैसा ही पैसा। बेटा ये स्कीम काई है मत बताइयो, क्या कोई स्कीम भी चल रही है ऐसी ऐसी? चाचा ऐसे ना होता बेटे, आप जो है रोजाना नहाओ फ्री की छाए लेकर जाओ, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे चाचा, लेकिन मेरे बच्चे इस वाले मसले को किसी से कहना मत कि आदमी की दुकान पर 10 रुपए में गड्डियां मिल रही है ना। ठीक है चाचा। मुझे चाचा एक शक हो रहा, आदमी ने जमीन निकाली 8 बीघे, मुझे ऐसा लग रहा आदमी दुकान खोल कर अपना प्रचार बढ़ा रहा, ग्राहक बना रहा अपने। राई मोह लगा वाला हिसाब दिखे कंपनी का प्रचार हमारा फायदा, कुछ होएगी ऐसी स्कीम जरूर। तो पे कै रुपया पड़े हैं? चाचा 20 रुपए मुझ पर। तो 30 मोह पे हैंगे? रेन देख रहे चाचा, देखा ना जैसे मैंने 500 का ना देखा, अभी इसको निकालो गड्डिया ही गड्डिया आ जाएंगी यार। ढोर तू पागल तो ना, ये करारे नोट है कतई, और तो पता करारे नोटन की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या वैल्यू है। चलो बोलो 20 और 30 को तो निकालो ना कर ले लो, कभी स्कीम उठ जाए खत्म हो जाए आ जाओ। हाँ उनके ले ले, सही कह रहा हो, कभी पैसा बढ़ जावे ज्यादा टाइम के लिए होना रहती है स्कीमें। हाँ भाई कहाँ चाहिए? मैं बतला देंगे कैसा आफत आ गई, 2 मिनट ना बैठ गए तो पहले ही नौकू तो सामान दे दो, हमसे पहली खड़ी है ना। भाभी मैं लेके दूंगा तुम जाओ। ठीक। हाँ दे दियो सामान, अब बता कहाँ चाहिए। बैठ जा पहले इत्मीनान से, खाओ फाड़ू हो रहा जाहिल, ये नाले इतनी दूर से चल गए ले इत्मीनान के संग कुछ पूछूं बात करूं। ले बैठ गा, बता कहाँ चाहिए अब। अरे पैसा चाहिए। अच्छा पैसा कितने चाहिए? पैसे भैया चाचा के पास में 30 रुपए तो, और 20 रुपए मेरे पास है, हमारे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए के जितने भी पैसे आते हो 50 रुपए के दे दे। क्यों चाचा? लाओ तो लाओ 50 रुपए लाओ पहले। हाँ पैसे ले भैया, पैसे पहले ले तू, चाचा खा लियो अपने पैसों को दो। बीस और तीस भैया ले, 50 रुपए ले। आ!
बेईमानी मत कर लीजिए, कम पढ़े लिखे हम, पहले बता रहा हूँ कितने हैं। कम काहे को होते, 50-50 हजार गड्डी है। बे आदमी भैया, मैं पूछ रहा तुझसे, तूने अपना जो 8 बीघे का खेत निकाला उससे कितना पैसा मिला तुझे? 10 लाख रुपए बीघे गए, 80 लाख रुपए मिले। ओहो, मैं समझ गया अब तेरे हिसाब है आदमी। और मैंने सुनी है अब क्या तू गांव को प्रधानी का चुनाव लड़ता कहिए? चाचा यही मारते जमीन बेची मैंने अपनी। बे आदमी, अब तू मेरी बात सुन ले भैया, ध्यान लगा के, इन पैसों को महीने में किसी और को बेच मत दिया तू। शाम तक का टाइम दे, चाचा और मैं ही खरीदेगा तेरे सारे पैसों को। और फिर धोनी की तू टेंशन ही मत लीजो, अब का तो चुनाव हम जितवाएंगे। ठीक है तो 9 बजे करो। इकलिया चाचा, इकलिया बात से होगी जेब गरम। भाई खालिद, झेड़ पर पैसा का जुगाड़ कर, अनिया को भरोसा ना हो, सारे न बेच देगा। मैं तो चाचा ये कह रहा हूँ, भैया ज्ञान से पैसे ले लो ब्याज पे, इसका कुछ भरोसा ना, जाहिल का मुकर का तो बस रह जाएंगे ऐसे। कितने पैसा बहुत रहेंगे वैसे? चाचा इतना पढ़ा लिखा होता तो नहीं होता। आ तो ज्ञान धोरे चल रहे, वही पर लगवाएंगे हिसाब। हाँ ब्याज का काम करे, हिसाब वही लगा देंगे भैया ज्ञान। चलो चाचा, कहा कह रहे हो, मेरी समझ में तो आनोरी ईट पत्थर। यो, यो, यो। भाई क्यों, तू भी बोल गए हमारी तरह ठीक ठाक ही पढ़ो लिखो दिखे, हम बताएंगे 80 तो ईट है। भाई देख ले चाचा, तुम फिर गुमराह कर रहे हो भैया ज्ञान को। भैया ज्ञान तुम ना सुनो, मैं बतलाऊंगा तुम्हें मसलन मसला है क्या। हाँ भैया तू बता। भैया ज्ञान एक दुकानदार, और दुकानदार के पास में 80 ईटे। मैंने उस दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने मुझे एक ईट दे दी। अब चाचा श्यामलाल ने उसे 10 रुपए दिए, उसने चाचा को भी एक ईट दे दी। अब हमें उसके 80 की 80 ईटें खरीदनी है भैया ज्ञान। तो हमें जानना ये है कि 80 ईटों को लेने के लिए हमें कितनी दफा उसे 10 रुपए देने? 80 बेर ही देने। देख लिया चाचा, 80 ना हो गए? यो, यो, यो। भैया ज्ञान एक बात और बतलाओ, एक जोड़ करके बताओ मुझे आप, ये 80 दफा अगर हम उसे 10-10 रुपए दे रहे तो टोटल रुपए हमें चाहिए कितने उसे देने के लिए? 80 नोटों को 10-10 वालों को एक संग जोड़ दो उन्हों, फिर बताओ कितना पैसा बैठ रहा। 80 × 10 = 10,000 और 8 × 80 = 800 800 रुपए हो गए। 800 रुपए। भैया ज्ञान मसलन मसला है क्या, इस दुकानदार के पास में जो है ना 80-80 ईटें 2 दफा, इसलिए तुम 800 रुपये को 2 दफा जोड़ के बताओ मुझे कितना रुपए चाहिए टोटल। यार हिसाब से तो भैया 1600 रुपये चाहिए। देखी भाई खालिद, यू होवे ब्याजू आदमी को फायदा, फटाफट पैसान को हिसाब लगा दियो भाई। अरे सब पैसा की माया बस। चाचा तुम भी टाइम की कीमत को थोड़ी जानने हो, अगर इस दुकानदार ने 80 ईटें किसी और को दे दी ना, फिर खुजलाते रहियो ना बैठ कर हाथों को। यो, 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 हाँ हाँ भैया, तू जो ना हमें ब्याज पे पैसा दे दे, हमें भी ईट खरीदनी है। चाचा तुम पैसा तो ले रहे हो पर ईट बहुत महंगी खरीद रहे हो, या से मंदी तो मैं दिवा देता हूँ मर के भट्टा पैसो। ये ईट जो ना वैसी है, वे जो अनमोल रह करे, इन ईटन की बात कुछ और है। और बात है, और कहा बात है भैया? रे याद जुड़ी हुई है हमारे बुजुर्गन की, अब से 250 साल पहले हमारे बड़े बूढ़े जब घर में रह करे तो वह घर की ईट है ये। चलो चाचा तुम्हारी तो समझ में आवे, पर यू क्यों खरीद रहे हो? हमारे जो पुराने घर है ना गांव में, वहाँ की पिछली भीत, और इनको जो घर हो वहाँ की पिछली भीत, साजे में ही हमारी, हम अभी आए के तो न्यारे न्यारे हुए, अन्य पहले जो हमारी एक भीत साजे में ही। अब्बू के अब्बू,
थी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, अब्बू के अब्बू कहाँ तुम चले गए। अरे खालिद एक बात समझ में नहीं आई, तू अपने अब्बू के अब्बू पुकार रहे हो, वो अब्बू के अब्बू तो तेरे दादा लगे और उन्हें गुजरे हुए हुए हैं 20 साल, उन्हें पुकार जो अब जो 250 साल पहले गुजर गए, जिनकी याद में तू ईट लेनी चाह रहे हो, अपने दादा की पुकार रहे हो। देख रहे हो चाचा, कर रहे भैया ज्ञान बाबली बात तो कुन्ना। भैया ज्ञान एक बात बतलाई आप मुझे, मैं हुआ 30 साल पहले पैदा और हमारे जो दादा थे वो 20 साल पहले रुखसती हुए, तो मेरे दादा मुझे जान गए ना 10 साल का देखा ना, खालिद भी हैगा कोई उनके खानदान में जो 250 साल पहले चले गए रुखसती हो गए, उन्हें क्या पता कौन खालिद पैदा हुआ बाद में, तो मेरे दादा ही तो उन्हों बतलाएंगे कि तुम्हें तुम्हारा नवासा पुकार रहा, वो ही तो मेरी उन्हों को करवाएंगे क्या कहते हैं चाचा उसको तारीफ बताएंगे ना कौन है खालिद, दादा ही तो मेरा उन्हों से वो करवाएगा, उन्हें मुखाबित कराएगा मुझे। चाचा कह रहे थे अंग्रेजी में स्टूल बेल्ट, हाँ वी इंटोड़ा इंटोड़ा करवाएगा मेरा दादा मेरे बुजुर्गों से उन्होंने। रतम वो भी पागल कर दोगे, बताओ क्या रुपया चाहिए। बता भाई बता खालिद कितने रुपया लेगा, ज्ञान के हिसाब से तो हमें या कौम को 1600 रुपया बतेरे रहेंगे। मैं तो चाचा ये कह रहा 1600 रुपये चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ऊपर नीचे जरूरत पड़गी तो परेशानी बनेगी, 1600 रुपये में 700 रुपये और लाओ और 2000 ले लो सीधे सीधे। ज्ञान एक काम कर भाई, 1600 रुपया में 700 और मिलाए का पूरे 2000 रुपये दे दे। चाचा 1600 में 400 मिलके जब 2000 हो। देख रहे भैया क्या अनपढ़ गवार जानने हो खालिद को, 19 स्कूल पढ़ा खालिद, 400 का ना हमारे पास में मैं जान, 700 रुपये रिलाओ तभी ना 2000 करो, 400 कर दे ज्ञान कर दे, गरीब है गरीब, इतना मत मार देखियो, 700 मिला के 2000 कर दे, 400 ज्यादा हो जाएंगे। पंचो 1000 1500 2000 अभी बता का ब्याज कैसे कैसे रहेगा। ब्याज की बताएगा खालिद, बता भाई बता ब्याज कैसे कैसे रहेगा। ब्याज का कोई बड़ा मसला ना भैया ज्ञान, ब्याज भी सीधा सीधा ही रख लेंगे। देखो तुम भी घर के ही आदमी, कोई अलहदा थोड़ी हो, 2000 रुपये रोजाना जोड़े जाओ हमारी तरफ तुम ब्याज के, और जिस दिन तुम्हें अपना पूरा पैसा चाहिए अपना, उस दिन का मूल उस दिन का ब्याज एक संग जोड़ कर हमें बतला दियो, तुम्हारा पूरा पैसा उसी दिन मिल जाएगा हिसाब जोड़ कर ना चाचा। अजी बहुत बढ़िया कही है तेने, जा दिन हिसाब होवे ना वा दिन और दिखावे ना, होटल में लास्ट में रोटी खाए के जब निकले तो थोड़ा बहुत पैसा ना दे, कहा के है वाकू टिप 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 देवे टिप, हाँ टिप टिप और देंगे तो फिर लास्ट में खालिद या टिप याद रखियो, आगे आगे बहुत काम आएगी हो। नहीं नहीं याद है चाचा, इंशाल्लाह टिप याद आ गया मुझे, टिप रहेगा आगे के लिए। अभी चले तो चले अब, हाँ एक लो आ जाओ ठीक है भाई ज्ञान। अच्छा भैया पैसों क्या बांटो सीधा, मसले कोई बांट लेंगे, 40-40 हो जाएगा ना। हाँ और क्या चाचा, अब तो लखपति तो होएगा। और कहा 1500 हो ये कहा करना है इनको, यो, 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 इन 1500 रुपया की तेरे धोरे जितनी भी करारी गड्डी है ना उन गड्डी ना देते। गड्डी कौन सी गड्डी, देख ले जाहिल कर रहा बेईमानी ना कर रहा, पूरे गांव में 500-500 की गड्डियां बेच रहा, भूल गा दिखे सुबह हमें ना दी तूने 50 रुपए की, 1500 के हिसाब से निकाल दे चुपचाप ना।
अच्छा वेगड्डी, अभी दे रहा हूँ। ये 70-75 लाख होंगे। गांव समाज में पता लग जाएगी चाचा, समझो बात को। खाली चल 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 झाड़ पर, आदमी हट जा गए तो कत बैल ढोलक को तो हटा ले जाहिल। निगाह में ना जा चाचा किसी की। अरे नवारे निगाह में सूदे बैंक में जमा करने चल रही नन्न। ये वाला ऑफिस बतलाया चाचा। चाचा कमीन कहना पड़ेगा पहले इसको, कमीन आ जावे क्या रहता वो। तू पागल था ना, मैं छितवाया को कमीन पमीन कह के। चुप रहिए तुम, मैं अपना आप कह लूंगा। मैंने तो यही देखा फिल्मों में, मैं कमीन आ जाऊं ये रहता। मैनेजर साहब आ जावे। बताओ क्या काम है। मैनेजर साहब पैसे जमा करने, काम तो ऐसा कुछ है ना। तो बाहर काउंटर पे जमा कर दो, अंदर की घुसे चले आ रहे हो। बाहर काउंटर पे ही तो जमा कर रहे, वो लाल लत्ते पहन के बैठी एक जनानी, वो कह रही ज्यादा पैसे अंदर जमा होंगे। कितने पैसे हैं। पैसे मैनेजर साहब ये लगा लो 70-75 लाख। आइए सर, आइए आइए, बैठिए सर बैठिए। आइए चाचा तशरीफ रखो, ना तशरीफ रखो तुम, मैं इधर रख रहा हूँ। सर चाय मंगा दू, कॉफी ठंडा। मैनेजर साहब चाय कॉफी का तो चाचा ही बतलाएंगे, यही बर्थडे में, ये बर्थडे का ही चलता मसला। बतलाओ चाचा। कॉफी में का तू हमारी जन्म पत्री लिखेगा, चाय मंगा सूदी, और तंसी गुड़ की डली मंगा दीजो, मीठो कम रह जा तंसा कभी। ठीक है जी, मैं मंगा देता हूँ। जी सर, कदम चाय लाओ बढ़िया जी सर के लिए। अरे भैया कदम एक काम और करिए यार, चाय के संताल से और लिए ही हो, मजा आ भाई मानता है ना। ओके सर। सर किसके खाते में जमा होंगे ये पैसे। यो, 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 यो। खाते में तो दोनों के में जमा होंगे, चाल भी तो दोनों की। मेहनत दोनों की तो लग जाए। मैनेजर साहब इतनी सी गुजारिश है मेरी तो तुमसे, पैसों को तो जमा कर लो, लेकिन मुझे और चाचा को रोजाना 100-100 रुपए खर्चा का देते रही हो। खर्चे के लिए चाहते रहे ना हमें, हमारे पैसों में से ही काल कर देनी हो, रोजाना 100 रुपए। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप पैसे दीजिए। दे दे। पैसे का क्या मैनेजर साहब, इनकम टैक्स का भी डर रही आता। भरा पड़ा 500-500 गड्डियों से, वो ये 70-75 लाख के आसपास। इसको तो निकाल लो रुखसाना, पूछे कि पिन्नी कहाँ रह गई। हाँ जी सर। इधर आइए आप। जी सर। ये पैसे जमा करा दीजिए। चाचा चाय ना, इतनी देर से देख रहे हो कितना सेला काम हो रहा ना, खिदमत के नाम पर मजाक बना रहे लोग हमारा। ऐसे मैनेजर भतेरे, ऐसे बैंक भतेरे, कहीं और जमा कर देंगे हम तो। अरे सर प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज प्लीज सर। अरे सर ये पैसे सारे नकली हैं, ये फर्जी लोग हैं, ये तो चूरन वाले पैसे हैं। ज्यादा करारे लग रहे हैं, लगता है अभी अभी छपे हैं। यो, यो। का? बड़े नोट है ये, तो पता ना अभी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इनकी कहां वैल्यू है। भैया मैनेजर साहब जैसे 500 का एक नोट है, अब तो इसको कहीं देश विदेश में बेचन लगे ना, सऊदी में, दुबई में, अमरीके में, 1000 रुपए का बिकेगा एक ही नोट, वो नोट है ये। क्या करना है सर अब इनका। करना क्या है, अब उन्हें बुलाओ वही कुछ करेंगे।
ठीक है सर। बैंक मैनेजर साहब, ऐसा यहाँ पे मुझे और चाचा को अच्छा नहीं लग रहा। कोई अच्छा सा आलीशान कमरा हो तेरे पास में तो उसमें लिटवा दे भैया, हमें जाम दोनों मिलकर आराम फरमा सके। यहाँ ताल ना लग रही है। क्यों रे? यूं कहा बदतमीजी है भाई, है ना? काई की सुनी ना बताई कुछ भी, यहाँ लाया के जेल में पटक दिया धड़ाम देसी। पर तरीका है यूं? जब आ गए तो रुको थोड़ी देर, तुम्हारी सुनेंगे भी सुनाएंगे भी। कुस्टेबल साहब, मुझे लग रहा तुम कमजोर जान रहे हो हमें। पैसे की पावर ना पता तुम्हें, पैसे में पावर कितनी होती है। है रुपया पैसा बहुत है हमारे पास, तुम अपनी कीमत बताओ हमें छोड़ने का कितना लोगे। तुम रुक जाओ अभी, मौसु बहसबाजी मत करो, साहब आ रहे हो, उनसे बात कर लियो। हाँ तो पूछ ले भैया, तेरे साहब से कीमत पूछ ले, उसमें क्या। सैल्यूट मार, सैल्यूट, जब ही छोड़ेंगे। बैठो चुलबुली जी बैठो। रे ये के देखन ले आगरा भाई में, इभी के कर दिया इन दोनों ने चुलबुली जी। साहब बैंक में नकली नोट जमा करन खतर गए थे दोनों। हैं? ये के कहन लाग रही हो चुलबुली जी? नकली नोट बैंक में जमा करे थे? कितने नोट जमा करे थे वैसे? यही कोई साहब 70-75 लाख थे। हाँ? 70-75 लाख बहुत छाप लिए इन्होंने था। फिर कुछ बताया? खोला मुंह कब से करन लाग रहे काम? सर कुछ ना बोल रहे है दोनों। चुलबुली जी ऐसे बोले भी कौनी, पैसा कमा कमा के ना मोटी छमड़ी होन लाग रही दोनों की। रे वीरपाल, अरे सन्नाटा भाई, ना प्रसाद दो, ये प्रसाद खावेंगे तभी मुंह से कुछ बोलेंगे। जाओ जरा प्रसाद दो इन्होंने। डर थोड़ी रे चाचा, विधायक साहब को फोन करो ना, फोन करवाओ विधायक साहब को, वोट दिए को इसलिए थोड़ी दिए। मेरे बस की नौबा को छुटवा के लाना, घर के घर में घोटाले हो रहे। जब तक न कहती तू एक बेर भी, मैं 100-200 रुपया मांगू तो बस उन्हें कहते ही ले लॉकर खोल के ले ले। अब 70-75 लाख रुपया ने बैंक में जमा करने गए, कहाँ सुहाए पैसा, कौन देगा जवाब? मैंने विधायक पर फोन करा, विधायक भी नु कह रहा, नु तो बताए पैसा आए कहाँ सू, बता कहाँ कहता हूँ मैं। अब जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, मैं न जा रहा कहीं छुड़वान बुड़वान। अरे तेरी गैल ना मेरी गैल भी तो ऐसी करे, वो भी कहो दे वे पैसे एक भी मेकअप फेकअप को। अरे तबाक क्यों पड़ रही है चक्कर में, 20 रुपया लाए कर दे जलेबी लेकर, और राजेश ना भी अभी गरम गरम उतारी है बखर में। अरे कहा बताऊ, है तो अपना ही दुख तो हो गई है, जा छुड़ा ला जाए के। मेरा शाबू दरोगा साहब, अमीर बनना गुनाह क्या? गरीब हमेशा गरीब ही रहे, अमीर ना बनोगे तुम? हमारी तकदीर में गरीब रहना ही लिखा चाचा, तुम्हारा और हमारा तो गरीब रहना ही मुकर्रर हुआ, अमीर ना बन देंगे ये लोग। रहते रहते कौन मना करने लाग रहा अमीर बनने को भाई? खूब अमीर बन, खूब तरक्की कर, पर मेहनत और ईमानदारी के लिए बन, दो नंबर के काम क्यों कर करन लाग रहा? भैया मैं बेईमानी की कौन सी बात है जी, है आदमी मुआम जो मिला अपने पैसा बेच रहा हूँ, बाकी मर्जी है। पैसा बेचन लाग रहा? रे कौन आदमी पैसा बेचन लाग रहा भाई? आदमी चाचा देख लो, कर रहे हो बाबली बातों को ना, सारी बातें क्यों बतला रहे हो खोल के? इस तरह तो गरीब गरीब ही रहता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। रे देखन लाग रही हो चुलबुली जी, ये टोपे वाला भाई साहब कुछ भी बताने की हालत में ना से है। रहो सन्नाटा भाई, इस खुराक मंत्री ने जरा मने दिए, मने लाग रहा ये टोपे वाले भाई साहब को ना इसी की भाषा समझ में आवेगी। डरेगा साहब, रुक जाओ यार।
जाना पड़ रहा, और मार ना खा पाऊंगा। सारी बात इत्मीनान से सच्चाई के संग बतला रहा हूँ तुम्हें। बुजुर्ग चाचा को स्कीम पता लग गई, अमीर बनने वाली स्कीम। जैसे तुम्हारा टाटा बिल्ला, अंबानी, ये लोग ना बने पैसे वाले, ऐसी स्कीम पता लग गई हमें। स्कीम रे, कैसी स्कीम भाई? आजी यू तो ऐसी उल्टी सीधी कहा गया था। यो, 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 यो। बेकारो, हमारे गांव में जो आदमी है ना, वाने अपनो 8 बीघे खेत बेकायो 10 लाख रुपया के हिसाब से, तो वहाँ मिले 80 लाख रुपया। अब हमने जो है 1,550 रुपया में वहाँ के 80 लाख खरीद लिए। 80 भी पूरे का है, 70-75 लाख का हिसाब बैठा, बाकियों को तो चाट गा आदमी, उसे छोड़ा ही ना। रे सुनो, हो गए चुलबुली जी, चाचा श्यामलाल ने 1,550 रुपया में 80 लाख खरीद लिए है। चाचा तो अमीर बना बैठा भाई। यो, 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 यो। रे चाचा श्यामलाल, ये पैसे है ना चिल्ड्रन बैंक वाले पैसे से, ये बच्चों वाले पैसे हैं। ओह माय गॉड, चिल्ड्रन माने बच्चे। यार खालिद, यू तो आदमी ने हमारे कल धोखा कर दिया, बालकन वाले बैंक के पैसा दे दिए हमें। अब चाचा जो होना देखो वो तो होगा, अब रोते थोड़ी रहेंगे इसके लिए हम। तुम मुझे इनों में से आधे रुपए मेरे दे दियो, मैं तो अपने बच्चों वाले बैंक में जमा करा दूंगा। बच्चों के बैंक में हो जाएंगे जमा, बालकन के बैंक में हो जा जमा। अब तुम्हारे सामने कहना रही कुछ टेबल नहीं जी, चिल्ड्रन बैंक वाला मसला रहता, बच्चों वाला बैंक कोई सा होगा उसमें जमा कर दूंगा मैं तो। फिर तो हमारे पोते अमन के खाते में जमा हो जाएंगे। तो भाई देख लो चाचा, कर रहे हो बाबली बातों को ना कर रहे हो। तुम्हारा पोता बच्चा हो, बालक है वो, उसका आज ब्याह हो जाता ना, अब तक उसके अपने बच्चे होते, वो देखे में करेंगे जमा। रे चुलबुली जी, इबे मने ये लगन ले आग रहे चाचा श्यामलाल और टोपे वाले भाई साहब की समझ में ना ये मैटर आया कोनी। साहब मने लग रहा है जो इनके गांव का आदमी है ना, उसने ठग लिया इन दोनों को। तो इबे के करे चुलबुली जी, इस आदमी ने धर ले के। सर मने भी यही लग रहा, दबोच लो। आप साहब, साहब क्यों रे चाचा श्यामलाल, के करे ये आदमी तो कुछ बोलता ही कौनी। आदमी ड्रामे तो करे मत ना, हंस के सारी बात बता जो। रे चुलबुली जी, सारी समझ में आ रही है क्या भाषा के बोलन लाग रहा? ना साहब, मैंने तो ये भाषा कदी ना सुनी। उस टेबल ने जी गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर जरा देर के लिए आप नहा के मेरी बात सुन लो। बोल भी टप्पे वाले भाई साहब। मैं ये कह रहा था चुलबुली जी, इब मने लग रही है बड़ी तेज भूख, मैं सोच रहा पहले खाना वाना खा ले, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तुमने भी लग रही है क्या भूख? जी साहब। तो मंगवा लियो फिर, है रोटी मंगवा लो। है भाई वीरपाल, तने भी भूख लगन लाग रही भाई? जी बहुत देर से भूख लग रही है। हाँ भाई सन्नाटा, तू भी खाओगा के? जी सब खा लेंगे। अरे श्यामलाल जी, तुमने भी खानी है रोटी? हाँ जी रोटी खाई लेंगे, रोटी काट के हमारे। कितने की रोटी मंगा दूं? 7 रोटी बहुत है, छोटा पेट है हमारा तो। अरे टप्पे वाले भाई साहब, तबड़े भी खानी है रोटी? खाई लेंगे कुछ टेबल लीजिए, हम भी सुबह से भूखे ही तो बैठे, भूख का टाइम भी हो रहा, मंगवा दूं मिल लियो भी। अरे आदमी जी, थारी कितने की रोटी मंगा दे मैं? मैडम जी मंगा दे 83। बोला बोला जाहिल बोला, देखा चाचा बोला जाहिल, देखा कुश्ती बन लीजिए, ये है इसकी कमजोरी, जो पेट हो रहा ना, 2x2 का कमरा है, लेटरिन बाथरूम अटैच है इसके फ्लैट में, इसको रोक थोड़ी सके भूख। जाहिल बोलना रहा, ले बले का रहे, जा 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 जा। तेरे मारे चली हो चालिया में। रे चुलबुली जी, इबके जादू हो गया ये है,
ये तो आदमी हिंदी में बात करने ले गया भाई। रे देख क्या है भाई मीरपाल, आदमी की तो हिंदी लौट आई भाई रोटी के नाम पे। इतनी देर से ड्रामा कर रहा चाचा, देख रहे हो जाहिल को 1550 रुपए को खाना चाह रहा, हराम की आ रही हमारे पास कमाई। मेरी गलती थोड़ी है बेटा, आदमी ठंड पड़ रही है, अगर दरोगा जी ने खुराक मंत्री तक खुराक दे दी ना तो खाट में पड़ा पड़ा चस्के को हमारा सारी बात है, चुप बता दे। आदमी जी तुम्हारे न्यू बता, तेने अपनी 8 बीघे जमीन बेची थी के? हाँ जी बेची 80 लाख के। रे फिर के करा था उन 80 लाख का? साहब मैंने शिवाली खेत लिए 20 बीघे बुलंदशहर से आ गए। जाहिल जब तूने 80 लाख रुपए की जमीन शिवाली में ले ली तो ये बाकी का 80 लाख रुपए कहाँ से है तेरे पास? साहब ये तो चूरन वाले पैसा है, मैं बाल करने बहका हुआ। रे आदमी तू मने एक बात बता, जब ये तेरे धोरे रुपए ने खरीदने खातर आवे थे तो तेने इन्हें बताया कौन के नकली नोट्स है? साहब इन्हें पूछे ना असली नकली है, इन्हें मोंगे मैंने दे दिए। खाली दिया बात है भी सही कह रहे हो तो, यहाँ तो कोई ऐसा जिक्र ही ना कराया। साहब मेरे दुकान को कौन है, जो भी कोई खरीदेंगे मैं मना थोड़े करूंगा। रे चुलबुली जी ये भी ये सारा खेल मारी समझ में ता लिया, ये सारा खेल है शिक्षा का। सही बात है साहब, ये दोनों पढ़े लिखे होते तो नकली नोट असली समझ के खरीदते थोड़ी। रे श्यामलाल जी पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र कौन ही होती, तुम चाहो तो अब भी पढ़ सको, भाई इतना पढ़ लो और इतना सीख लो जो असली और नकली की पहचान कर सको। ठीक है दरोगा जी, ठीक है मैं खाली जो ना कल स्कूल में दाखिलो ले लेंगे। ये हुई ना बात श्यामलाल जी, भाई आदमी अब तू न्यू कर, इनके जो 1550 रुपया तेरे पे है ना वो भाई इनके पैसे लौटा दे और अपने 75 लाख इधर से ले जा, इन्हें हम कहाँ रखाते फिर जेल में। ठीक है साहब, हो गया थारा फैसला, निकलो। चल बे चल आदमी भाई, ब्याज ही हो रहा है, ब्याज के भी आदमी से खलवाएंगे ना, सीख लो तुम बस। कल तक क्यों ना ढोलक को लेकर नाचा, आजा आजा कैसे बीच में चल दोस्त यार, देखना रे चाचा कुस्टेबल साहब, देखना रे हाँ तो जी सभी को हाथ जोड़ी जोड़ा पाम छुई छुआ जी, राम राम जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और सभी के साथ कर दो शेयर। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें कुछ समय से सही नहीं चल रही हैं, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था अभी, लेकिन इस टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा एनिमल वीडियो जो आई थी आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, बहुत उसको सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया और लगातार उसके लिए मैसेज आ रहे हैं कि उसका पार्ट 2 आना चाहिए। तो फाइनली हमने अब इसका पार्ट 2 बनाने का डिसाइड कर लिया है। महारा एनिमल का नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो शायद हम उसका पार्ट 2 लाएं। तो आप अपना प्यार आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, आपके आशीर्वाद और सपोर्ट की बदौलत हम चल पा रहे हैं, हमेशा बनाए रखना। राम राम जी।